मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक। सुबह से प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम, जिससे मध्य प्रदेश में नमी आने के कारण दिन और रात के तापमान में हो सकती है मामूली बढ़ोतरी। फिर से उमस से परेशान हो सकते हैं लोग। सीएम शिवराज की मॉर्निंग एक्शन बैठक में आज दमोह जिले के अधिकारियों की लगी क्लास। सड़कों के रिस्टोरेशन के काम को लेकर दिए निर्देश। नल से जल घरों तक पहुंचाना पहली प्राथमिकता के साथ कामों को लेकर भी खुशी जताई। कहा कि बिना बाधा के घर तक पहुंचाए पानी। चॉकलेट नहीं दिलाने पर मां की शिकायत लेकर थाने पहुंचे 3 साल के बच्चे से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की बात। दीपावली त्योहार पर बतौर उपहार चॉकलेट और साइकिल देने का किया वादा। साथ ही महाकाल मंदिर में लड़की का वीडियो रील बनाने के मामले में कहा कि मेरी बच्चियों से प्रार्थना है कि पवित्र स्थानों को छोड़ दिया जाए। धार्मिक भावनाएं आहत होने की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जांच रिपोर्ट का इंतजार। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निशाने पर फिर से इन दिनों शराब दुकानें और अहाते। उमा ने कहा, शराब दुकानों में अहातों की कानूनी तौर पर अनुमति नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की सहमति से अहाते खोल लिए जाते हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने ऊपर भी जताई हमले की आशंका। राज्य सरकार के प्रदेश में हुक्का बार के खिलाफ मुहिम तेज। नया कानून लाने की तैयारी में सरकार। प्रदेश में हुक्का बार चलाने वालों पर 1 से 3 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में संशोधन प्रस्तावित किया। मंजूरी मिलने के बाद लाया जाएगा अध्यादेश। प्रदेश में ट्रैवल बड़ी ऐप को किया गया लॉन्च। क्यूआर कोड स्कैन करते ही मिलेगी अब एमपी टूरिज्म की पूरी जानकारी मोबाइल पर। पर्यटन स्थानों को जानने के लिए अब नहीं होगी गाइड की आवश्यकता। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने कुशभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया कार्यक्रम में किया ऐप लॉन्च। इंदौर में चल रही आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई का आज तीसरा दिन। सिंघवी और मंत्री समूह के यहां करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा। 45 से ज्यादा बेनामी संपत्ति के मिले दस्तावेज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को भेजी गई जानकारी। जबलपुर के होम साइंस कॉलेज में छात्राओं ने किया एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हंगामा। प्रिंसिपल ऑफिस का किया घेराव। सेकेंड ईयर में फेल हुई 200 से ज्यादा छात्राएं। दोबारा मूल्यांकन की मांग। प्रिंसिपल के दफ्तर में घुसने के दौरान पुलिस के साथ भी हुई झड़प। सीएम शिवराज आज उज्जैन दौरे पर दूसरे चरण के कार्यों का करेंगे अवलोकन। 27 समितियों के संयोजकों और समाज सेवियों के साथ बैठक। महाकाल लोक की देखरेख की जिम्मेदारी का विषय पर भी चर्चा। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी 505 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट तैयार करने में जुटी। जून 2023 तक काम को पूरा करने का खास प्लान। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव में हुआ दर्दनाक हादसा। नदी किनारे पिकनिक मनाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत। देर रात से चल रहा रेस्क्यू सुबह तक चला। गांव के लोगों ने दी पुलिस को सूचना।